इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बर्ड मार्केट में। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से नायाब किस्म के परिंदे मौजूद हैं। सदर बर्ड मार्केट में जो परिंदों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे परिंदे 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 लाख रुपए तक के इनकी कीमतें हैं। 10 लाख से तो ऊपर यहाँ पे कीमतें हैं बड़े परिंदों की। छोटे परिंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, हर किस्म के परिंदे नायाब किस्म के यहाँ पे मिल जाते हैं बआसानी। और लोग इनको अपने घरों में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, तो लोग इनको अपने घरों में रखते हैं। बच्चों का टाइम स्पेंड हो जाता है तोतों से बात करके, क्योंकि ये तोते बात भी करते हैं। इनके दुकानदारों से बताया कि ये जो है वो कलमा पढ़ते हैं, डोर बेल की आवाज़ निकालते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, तो लोग इनको इसलिए रखते हैं अपने घरों में। छोटे परिंदे लोग घरों में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो भी कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे बड़े परिंदों से उनको ख़तरा होता है कि वो शिकार हो जाएंगे, तो लोग उनको सेफ्टी के तौर पे अपने घरों में रखते हैं पिंजरे में बंद, ताकि उनको दूसरे कोई बिल्ली या चील वगैरह ना खा जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, इसके सर पे ताज भी है और नहायत ही खूबसूरत यहाँ पे परिंदे। ऑस्ट्रिच भी यहाँ पे था और ऑस्ट्रिच की कीमत एक ऑस्ट्रिच की 15 लाख रुपए इन्होंने बोली थी और इनका पेयर था भाई साहब के पास। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पैरेट है ये। और ये वाला जो पैरेट हमने देखा था ये बिल्कुल खुला हुआ था, बस एक फैन पे खड़ा हुआ था, ना इसको रस्सी से बांधा हुआ था। और ये एक बाज था जो कि गोश्त खा रहा था। 8000 रुपये इसकी कीमत इन्होंने बताई थी हमें। भाई ये बता दीजिए ये तोता कौन सी नस्ल का है और क्या डिमांड है इसकी पाकिस्तान में, कराची में, मतलब को किस तरह के लोग इसको पसंद करते हैं, कौन लोग रखते हैं इसको, खसूसियात भी बता दीजिएगा। चलिए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये कश्मीरी पहाड़ी के दो नर हैं मेरे पास और ये फुल तैयार ब्रीडिंग के लिए मेल है। टॉकिंग पे ये बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे बिल्ली की आवाज़ है, मियाँ बिट्टू मियाँ, डोर बेल की आवाज़ है और बच्चों से ज़्यादा बातें करते हैं। और इसकी डिमांड में कर रहा हूँ 28,000 एक नर। भाईजान आप ये मुख्तलिफ़ परिंदे आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके नाम और कीमतें बता दें और इनकी खसूसियात थोड़ी बता दें। भाई खसूसियात तो ये होते हैं मेरे पास काकाटू है, अमेजोन है, मकाओ है, स्कारलेट मकाओ है, ग्रे ब्रेड है, हर चीज़ मेरे पास मिल जाएगा और हर चीज़ का मुख्तलिफ़ किस्म का रेट होता है, जैसा चीज़ होता है वैसा पैसा होता है। तो ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं, ये बाहर के हैं? बाहर के भी है, लोकल भी है, यहाँ के भी बच्चे आते रहते हैं, बाहर से भी आते रहते हैं। अच्छा, और पहचान कैसी की जाए कि ये असली है नकली, मिसाल के तौर पर नकली इसमें आता नहीं है। बाकी होते हैं जो मकाओ होते हैं, वो मकाओ होते हैं, जो ग्रे पेरेड होता है ग्रे पेरेड, इसमें असली और नकली का कोई ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपने परिंदे वाले इनके लगाए हैं तो बताइए क्या कीमत है इनकी, कौन कौन से परिंदे हैं आपके पास? हमारे पास नया परिंदे मुख्तलिफ हैं, अलग अलग कीमत है, अलग अलग दाम का, चकोर भी है, बत्तख भी है, बटेर भी है, खरगोश भी है, जाना मछली भी, जो चाहिए जिसको मिल जाएगी कम दाम पे मिलेगी। अच्छा, और इनके होम डिलीवरी करते हैं, घरों में सप्लाई वगैरह करते हैं, हम इतवार को इधर सदर पर होते हैं। सही, अल्लाह रखा नाम है हमारा, नंबर है 0307-55-22-504। अच्छा, और एक और बात, ये जो परिंदे हैं इनका दाना पानी क्या चीज़ है? लोग इनका दाना पानी मिक्स बना होता है, वो फीड भी होती है, फिर मिक्स दाना भी होता है, वो लेके एक दफ़ा डाल दो
24 घंटे तक नाम ले लेना, जैसे बाजरा है, बीज है, कंकड़ी है, मिक्स दाने में सारा कुछ आया था। नहीं, नाम लेंगे तो जरा सही रहेगा। जो जो मिक्स दाना होता है ना, उसमें तकरीबन 10-15 किस्म के दाने होते हैं, सारे मिक्स होते हैं। जैसे आपने कंकड़ी बोल लिया, बाजरा बोल लिया, बीज बोल लिया, तो इनको जरा देखो। मैंने काफ़ी पहले लिए थे, मेरे पास अपने ही तोते हैं, अपनी ब्रीड है ना, तो ये अभी कुछ सेटिंग में नहीं आ रहा, तो मैं इसको चेंज कराने आया। वैसे ही 800 रुपये का जोड़ा है। और नाम क्या होता है इस तोते? इसको पाइट भी बोलते हैं, बजरी भी बोलते हैं।